करें। आज का हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशंस। जो प्रीपोजिशन वर्ड है उसके अंदर जो प्रीपोजिशन है उसके अंदर ही उसका मीनिंग है। तो मैं बताती हूँ, जो प्री का मतलब होता है पहले और जो प्रीपोजिशन होता है जगह। पहले मेन जगह से जो पहले वर्ड होते हैं वो उसको प्रीपोजिशंस बोलते हैं। The words in, on, under, and behind tell you where something is. What does that tell you? Where a person, an animal, or a thing are called prepositions. So friends, जो हमारे words हैं in, on, under, and behind, इसका मतलब है in का मतलब किसी चीज के अंदर, on का मतलब किसी चीज के ऊपर, और under का मतलब है किसी चीज के नीचे, और जो बिहाइंड है उसका मतलब है किसी चीज के पीछे। तो फ्रेंड्स, जो ये जो सारे वर्ड्स हैं ये सारे पोजीशंस हैं, इसलिए इनको प्रीपोजिशंस बोल जाते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम अपने एग्जांपल्स देखते हैं। शिप इज इन द सी, तो जो हमारा इन है वो हमारा प्रीपोजिशन होगा। तो द चिल्ड्रन आर इन द क्लासरूम, तो हमारे इसमें प्रीपोजिशन है इन, क्योंकि वो चीज की पोजीशन है। तो फ्रेंड्स, हमारा थर्ड एग्जांपल है एन आंट इज ऑन द लीफ, तो जो हमारा ऑन है वो हमारा प्रीपोजिशन होगा क्योंकि वो किस चीज की पोजीशन बता रहा है। तो फ्रेंड्स, हमारा फोर्थ टूल इज अंडर द टेबल, तो फ्रेंड्स जो हमारा अंडर है वो किस चीज की पोजीशन बता रहा है, जो हमारा अंडर है वो हमारा प्रीपोजिशन होगा। फिर हमारा फिफ्थ एग्जांपल है एनिमल्स आर इन द जू, तो फ्रेंड्स जो हमारा इन है वो हमारा प्रीपोजिशन होगा क्योंकि वो किसी चीज की पोजीशन बता रहा है। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आपका और मेरा सिलेबस खत्म हो चुका है, हम सेकेंड क्लास में आएंगे अब, तो उसके लिए हमारी सारी बुक्स फिनिश हो गई, आपने सारी बुक्स पढ़ ली होंगी, तो उसके लिए हम अब मेरी भी बुक्स फिनिश हो गई हैं। पर फ्रेंड्स, जैसे कि आपका और मेरा सिलेबस खत्म हो चुका है, हम सेकेंड क्लास में आने वाले हैं, हमारे फाइनल एग्जाम भी हो चुके हैं, तो आपकी बुक्स भी फिनिश हो चुकी होंगी, तो उसके लिए हम आपके और मेरे रिवीजन के लिए छोटी छोटी वीडियोस ला रहे हैं ताकि आपका और मेरा दोनों का रिवीजन आ जाए। तो फ्रेंड्स, आपको छोटी छोटी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, एंड बाय बाय, टाटा, सी यू।